टुडेज न्यू ब्लॉग आज नया है, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं हर दिन आप सबके लिए। बस आगे तक बने रहना वीडियोस में, देखते हैं कि आज के ब्लॉग में आपको क्या दिखा सकते हैं। सो अभी तो मैंने स्टार्ट जो किया है, मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैं खा रही हूँ आलू के पराठे और साथ में चने की सब्जी और लस्सी में हल्दी वल्दी नमक मिला के जीरा मिला के लस्सी को गर्म करके खाते हैं तो अच्छा लगता है पराठे के साथ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियोज़ में, आगे तक बने रहना और चलिए जो भी कोशिश करेंगे आप सबके साथ जो भी होगा रूटीन में शेयर करने का। अभी ऊपर एडिटिंग का काम है जिसमें लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ गई है, स्क्रू निकल गए हैं उसके, तो वही तनुजा स्क्रू उसके टाइट कर रही है। अब देख सकते हो रूम पूरा खाली है, सिर्फ एक बेड है यहाँ पर, तो बड़ी आवाज़ गूंजती है यहाँ पे, डबल डबल आवाज़ सुनाई देगी आप सबको। उसके बाद मेरा बस ये काम है, फिर देखेंगे कुछ काम और होगा तो अलग से। अपना पर्स भी लेके आई हूँ, उसमें इतने सारे प्रोडक्ट लेके आई हूँ क्योंकि जो वीडियो मैं डालने वाली हूँ जो कल डली की अपलोड होगी वो इन प्रोडक्ट के ऊपर है जो मैंने मेकअप ट्यूटोरियल बनाया है ना उसके ऊपर है। तो बस वॉइस डालनी है, शूट करके रखा हुआ है वॉइस डालनी है, तो उसी में थोड़ी सी लैपटॉप में दिक्कत आ गई तो वो ठीक कर रहे हैं। ठीक हो जाएगा, फिर करते हैं बात थोड़ी देर में। ये आ गई है मेरी चाय, आ के गई है, मैंने ही बनाई है ये, मैं ले आई हूँ अपनी चाय। इसमें मेरी बिस्किट और मेरी चाय, बिस्किट मैंने नाम मात्र ही लिए हैं क्योंकि खाली चाय गैस बना देती है, इसलिए मैं चाय के साथ बिस्किट लेती ही लेती हूँ। तो चलिए चाय पीते हैं। प्यार देखो फिर से करो, कैसे करो देख, पिंसू आया आके आराम से नन्नू को गले लगाने लग गया, हक कर रहा था अब क्या हुआ? अब तुम खड़े हो, ये तुमको प्यार करने आएगा वहाँ पे दीवार के साइड में खड़े हो, ये देख दोनों का प्यार नहीं इतनी तेज नहीं दबाना है, आराम से प्यार से, वो तो प्यार कर रहा है ना, आप इसको इतनी तेज की दबा रहे हो। नन्नू छोड़ो, अब दीवार के साइड में खड़े हो, देखो भाई आएगा फिर फिर से जाओ, भाई को प्यार करना, जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ जाओ, भाई को प्यार करने, ये देखो तो प्यार है, ये तो तेज दबा रहे उसको, प्यार से बेटा प्यार से प्यार से प्यार से, आराम से ही दबा रहा हूं। अब आप जाओ, अब आपको बुला रहा है, अब आपको बुला रहा है वो, अब आप जाओ वो लटक गया वो पैर पे हो गया बस मासा, इसका फेवरेट है, सुबह उठते ही शुरू हो जाता है माशा माशा, दूध पीते पीते भी इसको मासा देखना होता है। मेरा माशा देखना, हम क्या देख रहे हो बता दो, क्या देख रहे हो? इतने आराम से कम्बल ओढ़ के ऐसे बैठा हुआ है, चलो बिजी तो है, परेशान तो नहीं कर रहा, हाँ ये कर रहा है अपना हॉलीडे होमवर्क, इसका ध्यान तो वहाँ टीवी में है, काम करना जरूरी है, हॉलीडे होमवर्क भी करना जरूरी है। कैंडी में कलर कर रहा है अलग अलग कलर, बाद में बताऊंगी, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए सो रही है, थोड़ा दो दो कंबल ओढ़ के। यहाँ बन रहा है डिनर, डिनर में बन रहा है गोभी, गोभी की सब्जी बन रही है, हम नहीं बना सकते, मम्मी बना रही है। अरे यार मैं कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं बना रही हूँ, दाल भात में क्या है ऐसा, भात को झूठा माना गया है। अच्छा भात नहीं बना सकते, भात झूठा होता है, रोटी तो हम छोटी ऐसे बना नहीं सकते, दाल भात झूठा माना गया,
अच्छा तो मैं सोचती थी नाना जी का खाना मैं नहीं बना सकती हूँ, मतलब दाल भात नहीं बना सकते, सब्जी बना सकते हैं हाँ। ये पहले क्यों नहीं बोला तो ये देखते हो मम्मी टेस्टी टेस्टी खाना बना रही है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है। आना कभी आप सब जो भी मेरे सब्सक्राइबर है सब आना व्यूअर्स, खाना खाना बहुत अच्छा बनाती है खाना मैं भी बनाती हूँ, पर मैं टेस्टी पता नहीं बनाती नहीं बनाती हूँ, मेरे हाथ का ज़्यादा खाया भी नहीं है किसी ने, मेरा नंबर ही नहीं लगता उतना, बहुत कम बनाती हूँ मैं, कभी किसी वजह से रह जाता है कभी किसी वजह से रह जाता है बनाना, पर ठीक है बनाएंगे, बाकी जब भी बनाती हूँ शेयर तो करती रहती हूँ। ये मसाला तैयार हो रहा है, देखो सूखी सब्जी बन रही है फूल गोभी। तो यहाँ आप देख सकते हो हीटर लगाया हुआ है क्योंकि हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने रूम में रूम हीटर लगा लिया है ताकि थोड़ा सा रूम हीट हो जाए और जो उनकी तबीयत है थोड़ी। हम सोने जा रहे हैं, सोने की तैयारी हो रही है और मैं लेने आई हूँ यहाँ किचन में पानी। रात को ये होता है ना कि प्यास लग जाती है तो ठंड में मन भी नहीं करता बाहर आने का पानी लेने का, और मेरे हस्बैंड जी की तबीयत भी पता नहीं ठीक नहीं है, डर भी लग रहा है बाहर, वो ओमिक्रॉन आ गया है फिर से नया वेरिएंट कोरोना का, तो बहुत डर भी लग रहा है, उनकी तबीयत पता नहीं ठीक नहीं है, ऐसा ना हो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि वैक्सीन लग गई है, लेकिन जिनको वैक्सीन लगी तब भी हो जा रहा है तो थोड़ा सा डर भी है, बस जल्दी से ठीक हो जाए भगवान, प्लीज़ प्रे करिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, फीवर ये नॉर्मल फीवर हो, नॉर्मल कोल्ड हो वो ना हो बस, तो बस ये ठीक हो जाए, मेरी टेंशन बस अब इसी चीज़ की है क्योंकि हमारे साथ एक बार ऐसा हो चुका है पिछले साल जब कोरोना हुआ था तो पूरे घर में हम सब को ही हो गया था, ये तो हॉस्पिटलाइज हो गए थे तो बहुत दिक्कत हो गई थी, बस प्रे कीजिए भगवान भोले बाबा माता रानी कि मतलब टेस्ट करवाने के लिए कल बुलाया है तो मतलब नॉर्मल आया उसमें, ऐसा कुछ ना हो नॉर्मल कोल्ड हो, ठीक हो जाए बस जल्दी से। तो अभी रात हो गई है, चलो आप सब भी अपना ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली अपना और अपनी फैमिली का, और बस बचे रहिए सेफ रहिए और घर पर रहिए। तो चलिए पानी वानी लेती हूँ जाती हूँ रूम में, हीटर लगा रखा है उनके पास मैंने ताकि जो ठंड उनको लग रही है ठंड ना लगे, दो दो कम्बल भी ली है, और कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय।